सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, पिछले 2-3 दिन से आप सभी लगातार ये न्यूज देख रहे होंगे कि रेलवे में पदों की संख्या बढ़ सकती है और रेलवे के जो नए चेयरमैन हैं सतीश कुमार, इनके द्वारा जो है वित्त मंत्रालय को एक लेटर भी लिखा गया है जिसमें सतीश कुमार जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि रेलवे में तत्काल प्रभाव से कर्मचारियों की जो संख्या है वो बढ़नी चाहिए। अब इन सभी के पीछे क्या है सच्चाई, हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही कई सारे छात्रों के मन में यह भी दुविधा थी कि क्या गुरुजी जो लेटर है उस लेटर के हिसाब से जो वैकेंसी आ चुकी है वो भी बढ़ सकती है या फिर जो नई वैकेंसी आएगी उसमें पदों की संख्या ठीक ठाक होगी। तो आइए थोड़ा सा पहले जो हमारे नए रेल चेयरमैन है सतीश कुमार जी, उनका जो लेटर है उसमें क्या कहा जा रहा है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस लेटर को द हिंदू अखबार ने भी प्रकाशित किया था और कई जगहों पे आपको मिल भी जाएगा। अगर आप इंटरनेट चलाते हैं, सर्च वगैरह करते हैं तो आपको ये लेटर जो है या इससे संबंधित जानकारी जो है आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा इस पे आप फोकस कीजिएगा, सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय को लिखे एक पत्र में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने रेलवे के बुनियादी ढांचा में वृद्धि, नई लाइनों और ट्रेन की बढ़ती संख्या का जिक्र करते हुए ट्रेन के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की है। अच्छा, कर्मचारियों की मांग नहीं की है, तत्काल अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की है, यानी कि यहां पे बात किसकी की जा रही है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट की जा रही है। ध्यान दीजिएगा किसकी बात की जा रही है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट की जा रही है। और हवाला क्या दिया जा रहा है कि रेलवे की बुनियादी ढांचे में वृद्धि हुई है, बहुत सारे रेलवे लाइन बिछाए गए हैं, ट्रेनों की बढ़ती संख्या, और ये जो फैसला लिया गया है ये आप जरा सा गौर फरमाइएगा किस सिचुएशन में लिया गया है। आप पिछले 6 महीना से रेलवे में हो रहे लगातार दुर्घटना से वाकिफ होंगे और पिछले 1-1.5 साल से हम भी आपको और कई जो चैनल हैं उसके माध्यम से आप सभी ये सुन पा रहे होंगे कि रेलवे में कुल पदों की संख्या जो है वो लगभग 3 लाख के आसपास बताया जा रहा था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा यह खुद बताया गया था कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जब चुनाव का समय आया और बहाली देने की बारी आई तो रेलवे अधिकारियों के द्वारा शिक्षकों के साथ जो बैठक हुई थी उसमें रेलवे अधिकारी बिल्कुल ही अडिग थे कि हमारे पास 5696 से ज्यादा एएलपी की पद ही नहीं है, हम इसी को लगातार मतलब चरणबद्ध तरीके से साल दर साल करेंगे, हम इसके लिए एनुअल प्लानिंग कर रहे हैं। और उसी खिसियाहट में रेलवे ने कई एग्जाम को लेकर के अपना एक टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल या आप कह सकते हो लेटर भी जारी कर दिया था जो कि आप सबों के पास है। हालांकि आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, लेकिन जो वैकेंसी देखने को मिल रही है उससे यह साफ जग जाहिर होता है कि रेलवे इस तरह के वैकेंसी के लिए पहले से तैयार नहीं था, क्योंकि आम आदमी अगर बोले तो चलता है, लेकिन रेलवे जो इतना बड़ा तंत्र है वो अगर झूठ बोले तो कहीं ना कहीं आम जनता को नहीं फंसता है। रेलवे ने अपने कैलेंडर में क्या बोला कि हम इतना ही बहाली देंगे और इससे ज्यादा हमारे पास संख्या नहीं है, हम इसको साल दर साल करेंगे और इसकी एग्जाम भी हम जून से अगस्त के बीच में ले लेंगे, लेकिन ना तो एग्जाम डेट का पता है और ना ही ये अपने बात पर अडिग उतरे, इन्होंने बच्चों का भविष्य बर्बाद करा। वैसे छात्र जो कम वैकेंसी की संख्या से फॉर्म नहीं डाले थे उनका करियर पूरी तरीके से चौपट करा और फिर 3-4 महीना के बाद क्या हुआ सर, एएलपी की वैकेंसी बढ़ गई। तो मेरे मित्र, जो रेलवे तंत्र है पूरा का पूरा या इनसे पहले जो रेलवे चेयरमैन थे उन सभी का पूरा एक भ्रष्ट नीति चल रहा था, और जब ये नए चेयरमैन साहब आए हैं तो अब ये रेलवे की जो बुनियादी नींव है सर उसको कहीं ना कहीं टटोल रहे हैं। और इनको ये लग रहा है कि इतने सारे दुर्घटना हो रहे हैं, इस दुर्घटना को रोकने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो कर्मचारी होनी चाहिए वो कर्मचारी नहीं है और इसकी भर्ती तत्काल प्रभाव से की है। इसका लेटर इन्होंने वित्त मंत्रालय को दिया है सर, वित्त मंत्री को लिखा है। आगे कह रहा है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ दिन बाद सतीश कुमार ने भारतीय रेलवे में कर्मचारी की कमी जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर चिंता व्यक्त की है। द हिंदू की खबर के मुताबिक उन्होंने ट्रेन के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की है। और इसमें जो इन्होंने वित्त मंत्रालय को लेटर लिखा है उसमें कहा है कि कुमार ने रेलवे के बुनियादी ढांचे में तेजी से वृद्धि, विशेष रूप से नई लाइनों और ट्रेन की बढ़ती संख्या का जिक्र करते हुए रेलवे में नए पदों की निर्माण की जरूरत पर जोर दिया है। अब रेलवे में नए पद का जो निर्माण है वो भी होगा और ये जो पद होंगे वो नॉन गेजेटेड पोस्ट होंगे। और आप ये समझ सकते हैं कि जब बात की जा रही है कि सर जो बुनियादी ढांचे उसमें वृद्धि हुई है, विशेष रूप से नई लाइन और ट्रेन की बढ़ती संख्या, तो कहीं ना कहीं ये आप मान के चल सकते हो कि आगे जो आपका लेवल 1 की पोस्ट है उसमें आपको सर ठीक ठाक संख्या में
जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाए। और साथ ही कहा जा रहा है कि विभिन्न परियोजनाओं को प्रभावी निगरानी और निष्पादन के साथ ही नई संपत्तियों के रखरखाव और ट्रेन के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सर अतिरिक्त कार्यबल की तत्काल जरूरत है। पिछले दो वर्षों से रेलवे नेटवर्क पर कई बड़ी दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है। ट्रेड यूनियन भी बीते लंबे समय से विभिन्न विभागों विशेषकर सुरक्षा संबंधी भूमिकाओं में बड़ी संख्या में रिक्ति को भरने की मांग करता रहा है। सर रेलवे के जो ट्रेड यूनियन है वो भी लगातार बात कर रहे हैं, और ये ट्रेड यूनियन आज से नहीं, जब एलपी की वैकेंसी के लिए आंदोलन शुरू हुआ था उस वक्त से आप सबों के साथ है, ये लगातार बढ़ी हुई वैकेंसी की बात कर रही थी। लेकिन पता नहीं रेलवे के अंदर क्या चल रहा था कि उसके अधिकारी मतलब एकदम से अडिग थे, लग रहा था कि लक्ष्मण रेखा बना दिए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा सर। तो कैसे हो गया, पहले एएलपी की वैकेंसी भरी फिर टेक्नीशियन की वैकेंसी भरी। तो मेरे मित्र ये जो लेटर लिखा गया है सतीश कुमार जी के द्वारा जो नए रेलवे चेयरमैन है उसमें इस चीज को बहुत ही प्रभावी तरीका से बताया गया है कि पिछले दो साल में रेलवे की बुनियादी ढांचों में वृद्धि हुई है, ट्रैक बहुत सारे बिछाए गए हैं, नई गाड़ियां मिली है, तो इसके परिचालन के लिए हमें मतलब उचित संख्या में कार्यबल की भी जरूरत पड़ेगी, और ये कार्यबल अगर दुर्घटना को रोकना है तो हमें तत्काल प्रभाव से चाहिए। मेरे मित्र आगे कहा जा रहा है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि नए पद सृजित करने के लिए व्यय विभाग से मंजूरी की जरूरत है। अब रेलवे बोर्ड चाह रहा है कुछ नया पद सृजित किया जाए, अब वो जो नया पद होगा उसके लिए वो वित्त विभाग के व्यय विभाग से क्या कर रहे हैं, मंजूरी की जरूरत है, यानी कि उसको सर अप्रूवल दे दिया जाए, तो वो क्या करेंगे नए पद को सृजित करके सर उसके लिए वैकेंसी आप सबों के सामने रखेंगे। तो ऐसे में अब कई सारे छात्रों के मन में ये चल रहा है कि गुरुजी क्या जो एएलपी की वैकेंसी है वो भी बढ़ेगी, टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो भी बढ़ेगी, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो भी बढ़ेगी, साथ में जो आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी आपको देखने को मिली क्या ये भी बढ़ेगी, या फिर आगे जो आएगी उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, और साथ में जो आपका पैरामेडिकल का वैकेंसी है क्या इसमें वृद्धि होगी। तो मेरे मित्र मैं आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगा कि एएलपी और टेक्नीशियन में तो आप खास करके गुंजाइश नहीं रख सकते, हालांकि इन्होंने बताया है कि सुरक्षा मतलब सुरक्षा कैटेगरी में हमें मतलब रख रखाव के लिए कार्यबल की जरूरत होगी, तो एएलपी की आपकी तो वैकेंसी बढ़ चुकी है 18,000 के समथिंग, 18K के समथिंग, टेक्नीशियन की वैकेंसी भी 14K के समथिंग है, अब सुरक्षा में तो आपका आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल भी है, तो हो सकता है कि आपकी जो मतलब वैकेंसी है वो इस बार ना बढ़े लेकिन अगली जो वैकेंसी होगी उसमें आपको बढ़ा हुआ पद देखने को मिलेगा, और एनटीपीसी के लिए भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाया जा सकता है मेरे मित्र कि वैकेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी ये रिसेंटली वैकेंसी आया है और ये दोनों वैकेंसी ये तीनों वैकेंसी तो आ चुका है, तो एनटीपीसी का रिसेंटली वैकेंसी आया है, तो हो सकता है अगर इस लेटर का प्रभाव हो और वहां पे वित्त मंत्रालय से इनको मंजूरी मिले तो मेरे मित्र जो आपका प्लस टू लेवल वाला एनटीपीसी है उसमें आपको ज्यादा पोस्ट पे या ज्यादा पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है, या मे बी जो ग्रेजुएट लेवल की आपकी सर 8,000 के समथिंग आपकी पोस्ट है उस पोस्ट को भी बढ़ाया जा सकता है अगर इस लेटर का प्रभाव थोड़ा सा भी रेलवे मंत्रालय पे या अदर कुछ इसका निष्कर्ष निकल के आता है तो आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि पैरामेडिकल की भी वैकेंसी बढ़ जाए, लेकिन अब देखना यह है कि सतीश कुमार जी का जो ये लेटर है उसके लिए सतीश कुमार जी क्या क्या करते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए क्या क्या करते हैं और साथ में आम जनता के भविष्य के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन अगर इस लेटर की सच्चाई को देखा जाए तो मेरे मित्र यह भी संभव है कि जो आपकी लेवल वन की वैकेंसी आएगी, लेवल वन की जो बहाली आएगी उसमें आपको तत्काल प्रभाव से पदों की संख्या क्या हो तो सर ज्यादा देखने को मिले, यह भी संभव है। तो कुल मिला के ये आप सबों के लिए एक अच्छी खबर है कि कम से कम रेल मंत्रालय में कोई तो ऐसे अधिकारी आए हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर अग्रसर है कि रेलवे में कर्मचारियों की संख्या कम है और इसकी भर्ती की जाना चाहिए। और मेरे मित्र अगर वित्त विभाग से इनको मंजूरी मिल जाता है तो हो सकता है कुछ सेफ्टी कैटेगरीज में आपको नए पदों पर बहाली भी देखने को मिल जाए सर इसी साल में। तो कुल मिला के आप ये मान सकते हो कि अभी भी संभावना है कि आपकी जो एनटीपीसी की बहाली है वो बढ़ जाए, 12 लेवल का जो पद है उसमें भी आपको सर अच्छा खासा देखने को मिल जाए, संभावना है ऐसा, हम ये नहीं कह रहे एग्जैक्ट। साथ में सर लेवल वन ग्रुप डी की भी वैकेंसी की ऐसी आप संभावना व्यक्त कर सकते हो कि वहां पर भी आपको पदों की संख्या देखने को मिले, क्योंकि अगर सर लाइनें बिछी है तो कहीं ना कहीं ट्रैक मेंटेनेंस या उसके जो भी बहुत सारे रिलेटेड कर्मचारी हैं उनकी जरूरत रेलवे को जरूर पड़ेगी। तो एक
एक लास्ट वैकेंसी आपका लेवल वन ग्रुप डी का है, तो मेरे मित्र इसमें आपको कहीं ना कहीं पदों की संख्या ठीक ठाक देखने को मिल जाए, या फिर जो इन्होंने अपना वैकेंसी का साइकिल दिया है तो उसमें आपको अगले साल से कुछ बड़ी हुई वैकेंसी देखने को मिले। लेकिन ये याद रखिएगा कि रेलवे में अभी आपको सुनहरा मौका जरूर देखने को मिलेगा। ये जो वैकेंसी चल रही है ये तो चल ही रही है, साथ में अपकमिंग वैकेंसी की जो अनुशंसा है कहीं ना कहीं इस लेटर के माध्यम से की जा रही है। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्र तो पूरे जी जान से लग जाइए, साल डेढ़ साल के अंदर आप रेलवे में जॉब कर रहे होंगे अगर सही तरीके से पढ़ रहे हैं, सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो। अदरवाइज चीजें चल ही रही है, पीछे भी आगे भी चलती रहेगी। तो ये जो लेटर था उसका कुछ ना कुछ मकसद यही निकल के आता है कि आपकी जो वैकेंसी है आप उसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब अधिकारी जब चेयरमैन ही सही आ गए हैं तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र इसका रिजल्ट भी आपको सही देखने को मिलेगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ पाए होंगे कि आखिर जो न्यूज चल रहा था वो क्या था। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ करके साइंस को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना चाहते हैं रिकॉर्डेड या लाइव मोड में, आप हमारे साथ साइंस के थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे इन सभी बैचेस में। मेरे मित्र ये सभी बैचेस आपको नहीं लेना है, आप जब इंक्वायरी नंबर पे कॉल करेंगे तो सर आपकी जरूरत के हिसाब से आपका जो बैच होगी वो आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मेरे मित्र आप सिर्फ हमारे प्रैक्टिस बैच में जुड़ सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक रिकॉर्डेड करना है तो आप हमारे कॉम्बो बैच में आ सकते हैं। लाइव पढ़ना चाहते हैं सभी एग्जाम के लिए तो मेरे मित्र आप हमारे लाइव स्पेशल बैच में आ सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।